हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सल्फासेटामाइड इज यूज इन ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन, नेजल सोल्यूशन, ईयर प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन। तो किसमें यूज करते हैं सल्फासेटामाइड का? तो सल्फासेटामाइड का यूज करते हैं इन ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोलेंड्रोनिक एसिड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिलोंगिंग टू दी विच केमिकल क्लास? आइसोक्यूनोलिन, ऑक्साजोलिडिन डायोन, बेंजोपायरन, बिसफॉस्फोनेट। तो किसमें आता है झोलेंड्रोनिक एसिड, जिसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? तो ये आता है बिसफॉस्फोनेट क्लास में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। झोलेंड्रोनिक एसिड होता है बिसफॉस्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज, नेचर वाइज, ईयर वाइज और डेट वाइज? तो ये रिकॉर्ड होते हैं डेट वाइज। इन द जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज एज एन इन्ग्रेडियंट इन प्रिपरेशन ऑफ असावा एंड अरिस्टा। मालकंगनी, धतकी पुष्प, अर्डुसो, धमसो। तो इनमें से क्या यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ असावा एंड अरिस्टा? तो इनमें यूज करते हैं धता की पुष्प का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग मस्केरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? टियोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम, बेंजट्रोपिन और एक्लिडिनियम। तो इनमें से कौन से शॉर्ट एक्टिंग मस्केरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? तो ये हो जाएगा इप्राट्रोपियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इप्राट्रोपियम होता है शॉर्ट एक्टिंग मस्केरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हेलोथेन, सक्सामिथोनियम, डेंट्रोलिन, डेकामिथोनियम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? तो ये होता है डेंट्रोलिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनिला बिलोंग्स टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, एस्लेपिडेसी, ऑर्चिडेसी, पॉलीपोडियासी। तो किसमें आता है वैनिला, क्या होती है वैनिला की फैमिली? तो वैनिला की फैमिली होती है ऑर्चिडेसी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा प्रेजेंट इन सेना आर फॉलोइंग टाइप एनोमोसाइटिक, एनिसोसाइटिक, पैरासाइटिक, डायसाइटिक। तो सेना में कौन से टाइप का स्टोमाटा प्रेजेंट होता है? तो सेना में प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरासाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है सेना में एंड कोका में। देन अनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है क्लो में, फेनेल में, ओपियम में एंड डिजिटलिस में। देन एनिसोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है ऑल ट्रॉपेन एल्कलॉइड्स में। सभी ट्रॉपेन एल्कलॉइड्स में प्रेजेंट होता है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। एंड डायसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है वसाका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विन क्रिस्टिन शोज डैश न्यूरोटॉक्सिसिटी कंपेयर टू विन ब्लास्टिन, मोर, लेस, नो और सिमिलर? विन क्रिस्टिन शोज डैश न्यूरोटॉक्सिसिटी कंपेयर टू विन ब्लास्टिन। तो ये होता है मोर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। विनक्रिस्टिन शोज मोर न्यूरोटॉक्सिसिटी कंपेयर टू विनब्लास्टिन। एंड ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आते हैं विनका एल्कोलॉइड्स में। एंड विनका आता है इंडोल एल्कोलॉइड्स में। विनका की फैमिली होती है अपोसाइनेसी। इसका सिनोनेम होता है पेरीरिंकल। एंड ये होता है एंटी कैंसर, एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज इंडियन जिनसेंग, पिक्रोराइजा, चिराटा, जेंशियन और विदानिया? तो इनमें से किसे बोला जाता है इंडियन जिनसेंग? तो इंडियन जिनसेंग होता है विदानिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है विदानिया सोमनीपेरा। अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीपेरा। एंड अश्वगंधा की फैमिली होती है सोलेनेसी। एंड अश्वगंधा होता है इंडियन जिनसेंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंडियन जेंशियन क्या है? अश्वगंधा होता है इंडियन जिनसेंग। तो इंडियन जेंशियन क्या है? तो पिक्रोराइजा होता है इंडियन जेंशियन। एंड इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेरियासी। ठीक है, देन चिराटा एंड जेंशियन की फैमिली होती है जेंशिनेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम बिलोंग्स टू फैमिली अम्बेलीफेरी, मिर्टेसी, रूबियासी और जिंजीबेरेसी। तो किसमें आता है कार्डमम? तो कार्डमम आता है जिंजीबेरेसी फैमिली में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्डमम, जिंजर, टर्मरिक, इन सब की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। देन ये अम्बेलीफेरी फैमिली में आता है असाफोटिडा, देन फेनेल, कोरिएंडर। मिर्टेसी फैमिली होती है क्लो की, एंड रूबियासी फैमिली में आता है सिनकोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉटरी एक्वस ह्यूमर इन द आई इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड बाय आयरिस, सिलियरी बॉडी, प्यूपिल, नन ऑफ दीज। द वॉटरी एक्वस ह्यूमर इन द आई इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड बाय, तो किससे प्रोड्यूस होता है वॉटरी एक्वस ह्यूमर इन द आई? तो इसे प्रोड्यूस करती है सिलियरी बॉडीज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस करती है वॉटरी एक्वस ह्यूमर इन द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ए फीचर ऑफ ए बीटा टू एगोनिस्ट? ट्रीमर्स, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैलेमिया, ब्रोंकोडायलेशन। इनमें से कौन सा बीटा टू एगोनिस्ट का फीचर नहीं है? मे नॉट बी ए फीचर ऑफ ए बीटा टू एगोनिस्ट, तो ये हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा टू एगोनिस्ट हाइपोग्लाइसेमिया कॉज नहीं कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोजेंजेस आर इंटेंडेड फॉर स्लो डिजोल्यूशन इन द माउथ, फॉर डिजोल्यूशन इन द स्टमक, फॉर डिजोल्यूशन इन द इंटेस्टाइन, नन ऑफ द अबव। लोजेंजेस आर इंटेंडेड फॉर, तो लोजेंजेस होते हैं फॉर स्लो डिजोल्यूशन इन द माउथ। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ द फेस ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग और लेमिनेशन। तो इनमें से क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ द फेस ऑफ द टैबलेट? तो इसे बोलते हैं कैपिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैपिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ द फेस ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर विदाउट बॉन्ड लाइसेंसेस आर इशूड बाय एक्साइज कमिश्नर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, एक्साइज मिनिस्टर। मैन्युफैक्चरर विदाउट बॉन्ड लाइसेंसेस आर इशूड बाय, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा एक्साइज कमिश्नर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ एक्सोजिनस एड्रिनलिन इज एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, कैटेकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज, डी कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ एक्सोजिनस एड्रिनलिन? तो यह होता है कॉम्प्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ एक्सोजिनस एड्रिनलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट्स इज पाउडर्ड सुक्रोज, स्टार्च, लैक्टोज, डेक्स्ट्रोज। द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट्स, तो यह होता है स्टार्च। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टार्च होता है द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो स्पेक्ट्रम स्टेरॉइड एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? नाइट्रोफ्लोरेंटोइन, फ्यूसिडिक एसिड, क्विनप्रिस्टीन, क्लिंडामाइसिन। तो इनमें से कौन सा है नैरो स्पेक्ट्रम स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक कौन सा है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक, तो उसका आंसर था फ्यूसिडिक एसिड। इसका भी आंसर हो जाएगा फ्यूसिडिक एसिड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक होता है फ्यूसिडिक एसिड, एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, देन ये क्लिंडामाइसिन होता है लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक होता है क्लिंडामाइसिन, और ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइल्यूएंट यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स इज डीसीपी, सुक्रोज, मैनिटॉल, स्टार्च। तो कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं इन च्यूएबल टैबलेट्स? तो यह होता है मैनिटॉल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासवेयर आर स्टरलाइज्ड बाय हीटिंग इन ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फर्नेस, ब्लोइंग हॉट एयर। तो किसमें स्टराइल करते हैं ग्लासवेयर्स को? तो ग्लासवेयर्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमिटी इज
18, 20, 30 और 28। तो कितने मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इन NDPS कंसल्टेटिव कमिटी, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमिटी? तो ये होते हैं 20। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। NDPS कंसल्टेटिव कमिटी में मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फैमसिक्लोविर इज पायरिमिडिन, पायरिडोपायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिडिन। तो कौन सा कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन फैमसिक्लोविर? तो इसमें प्रेजेंट होता है प्यूरिन न्यूक्लियस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट्स शुड बी विद इन 2 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर। तो कितना होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट्स? तो ये होता है विद इन 2 मिनट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द मेनस्ट्रम फॉर 7 डेज इज नोन एज परकोलेशन, मेसिरेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन। तो क्या होता है कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द मेनस्ट्रम फॉर 7 डेज? तो इसे बोलते हैं मेसिरेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेसिरेशन होता है कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द मेनस्ट्रम फॉर 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरएड्रिनलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा है नॉरएड्रिनलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो नॉरएड्रिनलिन देते हैं स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन शुड बी डेफिनेटली हाइपरटॉनिक विद ब्लड, हाइपोटॉनिक विद ब्लड, आइसोटॉनिक विद ब्लड, हाइपरबैरिक विद ब्लड। तो कैसा होना चाहिए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन शुड बी डेफिनेटली आइसोटॉनिक विद ब्लड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, आइसोटॉनिक विद ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स क्लॉस्ट्रिडियम, वेरिसेला जोस्टर, यर्सिनिया पेस्टिस, ट्रैपोनेमा पैलिडम। तो इनमें से कौन सा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्लॉस्ट्रिडियम होता है टिटैनस का कॉजेटिव एजेंट, यर्सिनिया पेस्टिस होता है प्लेग का कॉजेटिव एजेंट एंड ट्रैपोनेमा पैलिडम इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैपिड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन इमरजेंसीज इज ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, हॉट एयर ओवन। तो कौन सा है रैपिड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन इमरजेंसीज? तो यह होता है रेडिएशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेडिएशन होता है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबुटामाइन डिफर्स फ्रॉम डोपामाइन इन दैट इट डज नॉट एक्टिवेट पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, इट डज नॉट एक्टिवेट एड्रिनर्जिक अल्फा रिसेप्टर्स, इट कॉजेस प्रोनाउंस्ड टैकिकार्डिया और इट हैज गुड ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेबिलिटी। डोबुटामाइन डिफर्स फ्रॉम डोपामाइन, तो किसमें डिफर करता है डोबुटामाइन फ्रॉम डोपामाइन? तो डोबुटामाइन डज नॉट एक्टिवेट पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डोबुटामाइन डिफर्स फ्रॉम डोपामाइन इन दैट इट डज नॉट एक्टिवेट पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोड्रग ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेडियाट्रिक सस्पेंशन इज क्लोराम्फेनिकॉल, क्लोराम्फेनिकॉल पैल्मिटेट, क्लोराम्फेनिकॉल सक्सिनेट और नन। तो इनमें से कौन सा क्लोराम्फेनिकॉल का प्रोड्रग है जिसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पेडियाट्रिक सस्पेंशन? तो ये हो जाएगा क्लोराम्फेनिकॉल पैल्मिटेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लोन सेपरेटर द पाउडर इज डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स और शेप ऑफ पाउडर। इन साइक्लोन सेपरेटर द पाउडर इज डिपेंडिंग ऑन इट्स, तो साइक्लोन सेपरेटर में पाउडर इज डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। एंड साइक्लोन सेपरेटर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है इन साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एच ड्रग बिलोंग्स टू नार्कोटिक ड्रग, डेंजरस ड्रग, इम्पोर्टेड ड्रग, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो किसके लिए होता है शेड्यूल एच? तो शेड्यूल एच में आते हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल एच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेड्रिन इज सिमिलर टू एड्रिनालिन इन द फॉलोइंग फीचर: पोटेंसी, इनएबिलिटी टू पेनेट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स. इफेड्रिन इज सिमिलर टू एड्रिनालिन इन द फॉलोइंग फीचर. तो क्या सिमिलैरिटीज होती है इफेड्रिन एंड एड्रिनालिन में? तो ये दोनों सिमिलर होते हैं इन प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इफेड्रिन इज सिमिलर टू एड्रिनालिन इन प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास ऑफ एन एंटी डायबिटिक ड्रग्स: बाइगोनाइड्स, थायजोलिडिन डायोन्स, सल्फोनिल यूरियाज, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स. तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्या होता है मेटफॉर्मिन. तो मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन ये दोनों होते हैं बाइगोनाइड्स में. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. थायाजोलिडिन डायोन में आता है पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन. सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ये सभी होते हैं सल्फोनिल यूरियाज. अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स होते हैं अकार्बोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज. ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.